जी परान है क्यों साहेब मनोब सारी है आपन हाथी अपनाया पे ही काज सवारी है अपन हाथी अपनाया पे ही काज सवारी है जिसके जी परान है जिसके जी परान है क्यों साहिब मनोव सारी क्यों साहिब मनोव सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी परान है जिसके जी परान है क्यों साहिब मनोव सारी क्यों साहिब मनोव सारी जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है सब कोई आई वारी है सब कोई आई वारी है वाहे गुरु देखो बंदा चलिया चौंजड़िया दे कन्न देखो बंदा चलिया चौंजड़िया दे कन्न देखो बंदा चलिया चौंजड़िया दे कन्न अमल जे कीते दुनी विच दरगे आए कम अमल जे कीते दुनी विच दरगे आए कम दरगे आए कम दरगे आए कम देखो बंदा चलिया चौंजड़िया दे कन्न देखो बंदा चलिया चौंजड़िया दे कन्न साढ़े त्रह मन द्योहरी चले पानी अन्न साढ़े त्रह मन द्योहरी चले पानी अन्न आयो बंदा दुनी विच बातियां सुनी बन्न आयो बंदा दुनी विच बातियां सुनी बन्न बातें सुनी बन्ना
बातें सुनी बन वेखो बंदा चलिया चौंजने आदे कन वेखो बंदा चलिया चौंजने आदे कन अमल ज कीते दुनी विच दरगे आए कम फरीदा अमल ज कीते दुनी विच दरगे आए कम दरगे आए कम दरगे आए कम वेखो बंदा चलिया चौंजने आदे कन वेखो बंदा चलिया चौंजने आदे कन मलकल मौत जयावसी सब दरवाजे पन्न मलकल मौत जयावसी सब दरवाजे पन्न तिन्ना प्यारियां पाइया अगे दिता बन्न तिन्ना प्यारियां पाइया अगे दिता बन्न अगे देता बन्न अगे देता बन्न वेखो बंदा चलिया चौंजने आदे कन्न वेखो बंदा चलिया चौंजने आदे कन्न अमल ज कीते दुनी विच दरगे आए कम फरीदा अमल ज कीते दुनी विच दरगे आए कम दरगे आए कम दरगे आए कम वेखो बंदा चलिया चौंजने आदे कन चौंजने आदे कन चौंजने आदे कन परम सन्मान गुरु प्यारी सत्संगत आप सरबत साध संगत सतगुरु जी महाराज जी की पावन गोद अंदर बैठे हो दर कर दे गुरमुख प्यारे सरदार लखविंदर सिंह जी उन्हां दी अंतम अरदास विच आपां शामिल होए हां सारियां संगतां अरदास करन वास्ती पहुंचे हां भी सतगुरु कृपा करियो इस विछड़ चुकी जीवात्मा नूं अपने चरणां च निवास बख्शियो पिछे परिवार नूं पाणा मन दा आप जी ने बल बख्शिश करना इहदे तों वध आपां कुछ नहीं जी कर सकदे एक अरदास ही जिहड़े आपां रल मिल के कर सकदे हां होर इहदे तों इलावा असीं कुछ नहीं कर सकदे अगर कोई दुख है वह परिवार नूं वी बच्चियां नूं विछोड़ा है माँ बाप नूं विछोड़ा है ते साडे कोल ते इक अरदास ही है भी मालक कृपा करियो
इस विछड़ चुकी जीवात्मा अपने चरणा च निवास बख्शियो। तो सच जाण्यो सतगुरु बाणी अंदर कहिंदे ने इत्थे आण के तू बिल्कुल निर्बल है। तुसी जपजी साहब की बाणी पढ़ते हो तो साहिब कहिंदे ने जोर ना जीवन मरण नह जोर। ना कोई संसार ते जोर नाल जी सकदा जी, ते साध संगत जी ना ही कोई जोर नाल संसार ते मर सकदा है। ये अकाल पुरख वाहिगुरु का बाणा है। जिवें जिवें उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने सानू लिख के भेजे है उयो नहीं इत्थे आया, बदह का सानू लिख के भेजे इत्थे संसार ते, क्योंकि सतगुरु की बाणी झूठ नहीं बोलती। तो सतगुरु कहिंदे ने मरन लिखाए मंडल में आए, इत्थे मरना ही लिखा के आए, मैं इन्ने चिर तक वापस आ जावांगा। वो वक्री गल है कि मैनू चेता भुल गया कि मैं संसार तो जाना भी है। उन्हों सतगुरु महाराज बाणी अंदर कहिंदे खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना, खसम वसार खुवारी किन्नी त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी इको नाम ते आवो अपनी परसीती कर जावो। सारा कुछ याद है पर जाना ही भुल गया है कि मैं एक दिन संसार तो चले जाना है। तो खैर सतगुरु कहिंदे ने जाना तो सारे नू ही पैना है। इनू सतगुरु महाराज बड़िया उदाहरण दे के साडे मन दे विच पाउंदे ने कि मना समझ दे वेख। बाबा जी कहिंदे ने बाणी अंदर सबना सौरे वंजना सब मुकलावण हार। कोई ऐसी लड़की नहीं है जो अपने पेके घर बैठी रहेगी, उन्हें एक दिन सौरे जाना है। ते बाबा जी कहिंदे ने ऐ भी एक पेका ही घर है, एक दिन तेनू जाना ही पैना है, किन्ना कु देर बैठा रहेगा। ते बाबा फरीद साहब जी कहिंदे कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्ने तीर फरीदा, कच्चे भांडे रखिए किचर ताई नीर। किन्नी कु देर एक नदी दे कंडे ते रुख उगया होया, किन्नी कु देर वो अपने आप नू सुख महसूस करेगा, अपने आप नू किन्नी कु देर रख देगा। पता नहीं छल पानी आ रहा है थले वग रहा, पता नहीं उन्हें कदों छल मारनी है, नाल ही रुड़ के तेनू लै जाना। ते कंचे भांडे विच किन्नी देर तू पानी रख सकदा है, पता नहीं वो सिम सिम के कदों खत्म हो जाए। हुण आईए सतगुरु कहिंदे ने ऐसे तरह ही जीवन है तेरा, छिन छिन औद बिहात है फूटी घट ज्यों पाणी। ये जिवें दा रोज जीवन जिहड़ा है आउंदा है ना, ते रोज घटदा जा रहा है। बाबा कबीर साहब जी कहिंदे ने जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है। छोटा बच्चा है ना ते माँ सोचती है वड्डा हो रहे है। बाबा कबीर साहब जी कहिंदे नहीं ये भोली है, इहदी समझ विच नहीं आया, वड्डा नहीं हो रहा, इहदी उम्र घट रही है। अज 50 साल हो गए है, 50 साल मेरी जिंदगी विचों निकल गए ने। 60 साल दा हो गया, 60 साल मेरी जिंदगी विचों निकल गए ने, हुण अगे पता नहीं किन्ने। ते सानू बाबा जी ये समझाउंदे ने प्यारिया एक दिन तू संसार तो चले जाना है। ते याद रखी ओही जिन्हां दी जिन्हां नी परमात्मा ने लिख के भेजिया है ओही उस संसार ते जा रही। एक चल है एक चल से सब कोई आई वारी है, अपनी अपनी वारी नाल तेनू जाना पैना है। क्योंकि ये थिर रहने वाली जगह नहीं है,
जिस आसन हम वैसे केते बैस गया, पता नहीं जिस आसन ते असी बैठे हैं किन्ने लोग पहले बैठ गए ने। बाबा नामदेव जी बहुत उदाहरण दे के सानू समझाना करते ने। गहरी करके नीम खदाई, उपर मंडप छाई, मारकंडे ते कूद काई, जिन तिरन तल मुन बढ़ाई। हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी दे। किस चीज का मान करता है? ये शरीर बिन सजाण वाला है। उस शब्द के अंदर बाबा जी ने सानू समझाने वास्ते बड़िया का नाम लिया है। ये मना तू कि इत नहीं रहे जेड़े कहते सन मेरी मेरी कैरों करते दर जोधन सिपाही, बार है जोजन छत्र चले था देही गिरजन खाई। बारह योजन तक जिन्हों के छत्र चलता सी वो नहीं रहे, उन्होंने एक दिन जाना पै गया छड़ के। क्यों? इस संसार ही जान वाला है। सर्ब सोने की लंका होती, रावण सी अधकाई, कहाँ पे उधर बांधे हाथी किन में पई पराई। इन्हें इन्हें वड्डे दुनिया ते आए, तेनू एक दिन जाना पैना। चक्रवर्ती राजा हुए सिकंदर बादशाह, ते साध संगत जी सिकंदर बादशाह चढ़ाई कर गया, ते बड़ा प्रेम सी उदी मां पुत्र दे नाल हुंदा है। मां दा ते पुत्र दा रिश्ता बहुत गहरा है। ते हुंदा है कोई पुत्र साड़ी अखां दे सामने संसार तो चला जावे, मां देख सकदी है, पर की करिए ये ते होनी है। ये हुक्म है परमात्मा दा, दो ही चीज़ां ते रब ने अपने कोल रखियां ने, ना दस्या तो कदों जाना है, ना पता दस्या किवें जाना है। दो ही चीज़ां ने ना अपन परमात्मा ने अपने कोल रखियां ने। सतगुरु बाणी अंदर कहंदे ने, क्या जाना कि वे मरेंगे, कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो ना विसरे तां सहला मरना होए। की जानी है परमात्मा से, किवें संसार तो जाने, बजुर्ग होके जो संसार तो जाने कि जवानी वीरे संसार तो चले जाने, क्योंकि अजे तक इस चीज़ का तो पता ही नहीं लग सकिया। इहो ते अपने कोल परमात्मा ने रखी है। खैर मां रो रही है, ते मां ने अलामा दिता परमात्मा नू कि मेरा पुत्र संसार तो चढ़ाई कर गया है, ते तेनू रता दुख नहीं आया, इन्ना वड्डा होनहार पुत्र सी। आकाश बाणी हुई, मां किदी गल कर रही है? कहिंदी मैं सिकंदर दी गल कर दी है जिहड़ा चक्रवर्ती राजा सी। मां उहदी कोई निशानी ते होएगी? कहिंदे ओ सिकंदर दी गल कर दी है जिहड़ा सवा लख दी मुंदरी पहनदा सी। आकाशवाणी हुई, मां तू ते उस सिकंदर नूं रो रही है जिहड़ा सवा लख दी मुंदरी पहनदा सी, इत्थे ते उस सिकंदर नहीं रहा जिन्हां सवा सवा लख मुंदरी दी कढ़ाई दित्ती हुई सी, बनवाई दित्ती हुई सी, वो नहीं रहे। तू किस सिकंदर दी गल करदी है? ते जदों फिर सतगुरु दे हुक्म विच आईदा है ना सात संगत जी, फिर समझ आउंदी है मना आवण जाण एक खेल बनाया है, आज्ञाकारी की नीम आए। आवण जाण संसार दा एक खेल है, इत्थे कोई किसी दे नाल प्रीत नहीं है। जगत मैं झूठी देखी, प्रीत अपने ही सुख से सब लागे, क्या दारा कमीत। जगत विच एक दूजे दे नाल साडी प्रीत की है? बस सुखां दी प्रीत है। जिन्नी कु देर ये शरीर है उन्नी देर साडा उहदे नाल प्रेम है। खैर बाबा जी कहिंदे ने ये मौत इस तरह आउंदी है, मलकल मौत जाय आवसी, सब दरवाजे पन कोई। इत्थे ते धियां पुत्तर भी कम नहीं आ सकदे,
इत्थे ते माया भी कम नहीं आउंदी, इत्थे कोई औदा भी कम नहीं आउंदा, क्योंकि जीव संसार तो जा रहे है। कि परिवार रोक सकदा है इन्हूं? जीव संसार तो जा रहा है कि माया रोक सकती है? महापुरुष वचन करते हैं एक पासे माया रख दियो, किसी डॉक्टर हकीम नूं कह दियो ये बंदा मर रहा है, दो सवास दे दियो इन्हूं। वो कहिंदा तो दो दी गल करदा है, हुण इन्हूं एक भी सवास नहीं आउणा। क्यों? खत्म हो गए ने, इस संसार तो जा चुका है। क्योंकि बाबा जी कहिंदे ने बस हुण सारियां चीज़ां दा नचोड़ की है। सतगुरु कहिंदे ने जिसकी वस्तु स्यागे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे। परमात्मा तेरी वस्तु सी तू लै गया, ते मैं ते एक ही काम कर सकदा है, इहदे वास्ते अरदास कर सकदा है संगत विच बैठ के। इसलिए गुरु बाबा जी ने आ जिहड़ा समां सी सानू दिता कि भाई जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। किसी जीव दी बिरथा हो गई, जीव संसार तो चला गया है, ते आ जड़ा कर्म है वो बाबा जी ने सानू दिता पाई बैठ के सतगुरु दे चरणा च अरदास करनी है। उहदे पर थाए रोना नहीं है, बाणी पढ़ सकदा है बाणी पढ़ के अरदास कर, बाणी सुन के अरदास कर, कीर्तन सुन के अरदास कर, तां उहदा ते भला होना ही है, नाल तेरा भी संसार ते भला हो जाएगा। तो गुरु बाबा जी कहते ने अंत सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, किसो गोपाल पंडित सदियो हर हर कथा पढ़े प्राण जियो। यह मर्यादा सतगुरु जी ने संद बनाई है कि भाई जिथे जीव संसार तो चला गया है, बहुत दुख है, बड़ा दुख है कि जीव संसार तो चला गया, नहीं सी जाना चाहिए, पर इत परमात्मा का भाणा है, इन्हें दूजे पासे देखा। जिसकी वस्त सोई ले रहेगा रोज किसी से कीजे, योदी वस्त है वो ले गया है, मैं इदे गड़े रोज की कर सकता है? मैं ते एक अरदास कर सकता है कि परमात्मा तो कृपा करके मेरी अरदास नू सरवण कर लई, उस विछड़ चुकी जीवात्मा नू अपने चरणा चनवास बख्श दी। आओ सारियां संगतां रल मिल के पावन शब्द सतगुरु जी दी बाणी दा पढ़िए और सतगुरु दे चरणा च अरदास करिए। मल कृपा करियो उस विछड़ चुकी जीवात्मा नू अपने चरणा चनवास बख्श दियो, पिछे परिवार नू बच्चियां नू आप जी ने दलासा देना, सिर ते हथ रख के चढ़दियां कला दी दात आप जी ने बख्शनी। क्योंकि जीव संसार तो जांदा है, ते जिवें जिवें दा मेरा प्रेम है उवें दा मेरा वैराग है। तो सतगुरु दे चरणां च सारियां संगतां रल मिल के अरदास करिए, सतगुरु दया कर चढ़दी कला दी दात बख्शियो। देहो सजन असी सड़ियां ज्यों होवे साहिब स्यों मेल, देहो सजन असी सड़ियां ज्यों होवे साहिब स्यों मेल, ज्यों साहिब स्यों मेल, होवे साहिब स्यों मेल, देहो सजणिया सीसड़ियां ज्यों होवे साहिब स्यों मेल। करते कहो ए विचार,
तितकार गाबो सोहेला शिवरे ओ सिरे जनहारो देहो सजने सीसड़िया जो होवे साहेब स्यो मेल तुम गावो मेरे निरपाव का सोहेला हमारी जित सोहेले सदा सुख हुए नित नित जियने समालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कमल स्मारे संबत सा कर पावो तेल देहो सज यासी सड़ियां होवे साहेब सेओ मेल देहो सजने यासी सड़ियां जो होवे साहेब सेओ मेल कर कर एहो पहुंचा सदड़े नेत पवन सदन हारा सिमरिये नानक से देवन देहो सजड़िया सीसड़िया जो होवे साहेब सो मेल देहो सजड़िया सीसड़िया जो होवे साहेब सो मेल होवे साहेब सो मेल होवे साहेब सो मेल देहो सजड़िया सीसड़िया जो होवे साहेब सो मेल जो होवे साहेब सो मेल जो होवे साहेब सो मेल राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुरे प्रसाद आनंद पया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन बनिया बदाया राग रतन परवार परियां शब्द गावणिया शब्दोत गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना ई
करो करे तेरा कारज सब सुमारना सब नागला सम्राट स्वामी सो क्यों मनोवसारे कहे नानक मन में सदा रघु घर नाले साची साहेबा क्या नहीं करते करता तेरे सब किश गै जिस दे सो पावे सदा सिपत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा यादारो साच नाम यादार मेरा जिन भूखा सब गवाया कर शांत सुख मन आई वसया जिन इच्छा सब पजाया सदा कुर्बान किता गुर विटों जिस दियां ए वड़िया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो पिया साचा ना मेरा यादार वाजे पंच शब्द तितकार सवागे कर सवागे शब्द वाजे कला जित करता पंच दो तुदवास की ते काल कंट कुमार तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख हुआ तित कर अनद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया तरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची बाणी संत साजन पए ससे पूरे गुरते जाने ते पनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुर सलो पवन गुरु पाणी पिता माता तर तुम हात दिवस रात दोए दाई दा खिले सगल जग चंगियाँ बुरियाँ वाचे धर्म दूरा करमिया पुआ अपनी के नेड़े के दूरा जिनी नाम त्याया गए मसकत काल अनक ते मुख उजले केती छुट्टी नाम ते आया जिनी नाम ते आया नाम ते आया जिनी नाम ते आया वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु 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 जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखे उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखे उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकर Thank you.
ते तुमरै असो आज्ञाकारी तुमरी गात मैत नानक दास सदा कुरबानी तुदे आगे अरे दास हमारी जियो पिंड साब कहो नानक साब तेरी वड्याई हुणे मेरा वाहे गुरु। बोलो जी सतनाम श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु साहब जी। तिने ताप निवारण हारा दुखंता सुकरा ताको बिगन ना को लागै जाकी प्रभागे अरदास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेक बहादुर सिमरिऐ कर नौन दे आवे ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अमृत के दाते पंथ के वाले चिट्टियां बाजां वाले सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जगदी जोत जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। सत श्री अकाल महाकाल साहब जी का ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुक्तियां बेअंत हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने आप जी का नाम जपया वंड छकिया देग चलाई तेग वाई वेख के अंडड कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म मैसी दिते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लवाईयां चढ़खड़ियां ते चढ़े आरियां दे नाल चरवाए गए गुरद्वारियां हेत कुरबानियां कीतियां धर्म ने आरे आरियां शहीदां सिंघां सिंघणियां पचंगियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ शर देख तेग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। बख्श दियो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहा दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा साहब जी बोलो जी। सिखां दा मन नीवां जी मात उच्ची मात पादा राखा आप अकाल पुरख जी अपने पंथ देखदा सहाई दतार पिता जी ओ श्री ननकाणा साहिब होर गुरद्वारे गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा ते संभालदा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे ने माणिया दे माण सतगुरु जी ने ताणिया दे तान ने ओटिया दी ओट
दीन दुनिया दे मालक सृष्टि दे मालक नाम दे जहाज प्रेम दे भंडार सुखां दे सागर करना निदान दीन दयाल परवदगार दसा पातशाहियां दी जगदी जोत जुगो जुग अटल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे चरना कमलां विखे इस वेले आई समूह संगत सेवक परिवार की अरदास बेनती है पातशाह जीओ आप जी दे फरमाने राणा राओ ना को रह रंग ना तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोय ना बंदे तीर हुक्मे जमना हुक्मे मरना हुक्मे अंदर सब को बार हुक्म ना कोय दे मां वाका अनुसार सतगुरु जीओ आप जी दे दर कर दे सेवक सरदार लखविंदर सिंह जी जिन्नी एक सवासा दी पूंजी आप जी ने बख्शी सी सतगुरु जी पूरियां करके इस संसार तो सदीव अकाल चलाने करके सन पिछे उन्हां दे समूह परिवार ने मिल करके पातशाह जी आप जी दे सोहणे जे चरना कमलां दा कोट आसरा लैके पावन स्थान गुरद्वारा वड्डी धर्मशाला साहिब विखे आप जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अते समूह संगतां दी वजूदगी हाजरी दे विच विरागमय कीर्तन करदिआं रागी सिंघां दे कोलों अखर वादा घाटा भुल चुक मुआफ करना गुरबाणी पढ़ी अते सुनी सच खंड विखे प्रवान करनी पातशाह जीओ आप जी कृपा करनी दया करनी रहमत करनी पातशाह विछड़ी हुई आत्मा नूं अपने चरना कमलां दे विच निवास बख्शना पिछे परिवार नूं भाणा मन्नण दा बल बुद्ध समर्था बख्शनी अगे वास्ते परिवार विच सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी पातशाह जीओ नगर खेड़े दा भला करना बिरद बाणे दी लाज रखनी पंथ खालसे दी चढ़दी कला एकता प्यार बख्शना पातशाह जी आप जी दे हजूर सेवक परिवार वल्लों आप जी नूं सोहणे जे रमाले साज भेट कीते गए हन आप अंगीकार करदिआं सेवकां दे लोक परलोक परदे टकने इज्जत मान सम्मान बख्शना सतगुरु जी अते बेअंत बेअंत माया पेट हाजर है माया सफली करनी खजाने भरपूर रखने सतगुरु जी आप जी दे हजूर आईयां सब संगतां दियां तिल फुल भेटावां सेवावां अपने दर ते प्रवान करो पातशाह जी आप जी दे हजूर बख्शे हुए भंडारिया विच्चों कड़ा प्रसादी देग गुरु के लंगर हाजर ने आप जी दे दर ते प्रवान होवे प्रवान होया कड़ा प्रसाद गुरु के लंगर संगत विच वरतों दी आग्या बख्शो हुण आप जी कृपा करो हुक्मनामे दी दात बख्शो साब संगतां नूं निहाल करो जी सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला दोहरा आगे आ भैया काल के सब सिखन का हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभु को मिल बोच है राज करेगा खालसा खवार हुए सब मिलेंगे वाहिगुरु नाम जहाज है जो सरदा कर सेवन दे वाहिगुरु जो दरदा कर सेवन दे वाहिगुरु बोले वाहेगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਖਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਣ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਪੀਤ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬੋਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦਿਆਲ ਹੋਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦਿਆਲ ਹੋਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਬਨਾਸੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕਉ ਲਾਗੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੈ ਰਾਖੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇਰ ਦੇ ਅੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੁਜਾਈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੁਜਾਈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ,
जिन पूरन पैज रखाई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवां, प्रभ की शरण सगल पै लाते, दुख बिनसे सुख पाया, दयाल होवा पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर ध्याया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग साध संगत जीओ, जो साढ़े विचों पिछड़ चुकी आत्मा, जो सरदार लखविंदर सिंह जी फौज विच जिन्होंने देह की सेवा की है, बहुत समा देह की सेवा करके अपने सवासां दी पूंजी नूं खर्च करके इस संसार तो सदा सदीव अकाल चलाने कर गए। पिछे उन्हां दे परिवार मैंबरां ने मिल करके जो विछड़ी हुई आत्मा दे भले वास्ते, परिवार की सुख शांति चढ़दी कला वास्ते अपने ग्रह विखे पहला खंड जाप प्रारंभ करवाए सन। उपरंत पावन स्थान गुरद्वारा वड्डी धर्मशाला साहिब विखे विरागमय कीर्तन संगतां दी वजूदी हाजरी विच अरदास बेनती होई है। सतसंगत जी, क्योंकि फौज की नौकरी एक देश की बहुत वड्डी सेवा है, जिहड़े उन्होंने बहुत समा कीती है, जिहड़े फौज नौकरी करते ने, क्योंकि बाबा अतर सिंह जी फौज विच नौकरी करते सन, बड़े ऐसे महापुरश होए ने जिन्होंने फौज दे विच नौकरी करके साधु संतां महापुरशां दी पदवी प्राप्त कीती है, क्योंकि सो फौज दे विच नेम बड़ा है, फौज दे विच नेम बड़ा है, वह नेम जेड़े ते गुरसिख प्यारे ने वह नेम पूरा रख के परमात्मा की प्राप्ति कर लेंदे ने। ते इस तरह पातशाह जी कृपा करन कि इन्हां ते भी अपार बख्शा रहमतां। परमात्मा का नाम सिमरन की गल करते हैं,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤਿਰਮੁਲ ਭੇਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ